जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, जितने भी संत महात्मा हुए हैं सब ने चिल्ला चिल्ला कर यही कहा है कि सत्य वस्तु यानी कि जो परम पिता परमेश्वर है वही सत्य है और उसको भजो, उसको अपनाओ, उसके नाम का जप करो, उसकी भक्ति करो। बहुत से मनुष्य इस बात को जानते नहीं हैं और जो जान जाते हैं ना उसके बाद भी वो सत्य वस्तु को पाना ही नहीं चाहते, असत्य के पीछे पड़े हैं सब। और असत्य क्या है? ये जो संसार है ये असत्य है। ये जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी भोग विलास की सामग्री है, साधन है, ये सब तो क्षणिक हैं। हम ये नहीं कहते कि आप इनको कमाओ मत, इनके पीछे मत भागो, भागो लेकिन इतना मत भागो कि परमपिता परमेश्वर यानी सत्य वस्तु को ही तुम भूल जाओ। क्योंकि सत्य को भूल गए तो फिर आपका कोई कुछ कर नहीं सकता। सत्य को याद रखना ही पड़ेगा, यानी भगवान के नाम का जप आपको करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि भोग जितने भी भगवान ने बनाए हैं, अब आप कहोगे भोगने उन भोगों को अगर उनके पीछे ना पड़े तो उनका बनाने का क्या फ़ायदा। भगवान कहते हैं उनको भोगो लेकिन उनमें आसक्त मत हो, इतना मत फंसो कि उनके पीछे अपना चैन ही लुटा दो, अपनी सत्य वस्तु यानी परमात्मा को ही भूल जाओ। उसको याद करते हुए सारे कार्य करो, चाहे आपके प्राण क्यों ना निकल जाएं, लेकिन ये जरूर जरूर करना है कि परमात्मा को हर पल याद रखना है। क्योंकि प्रेमी भक्तों, मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो हमारे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, भाई ने, बहन ने, सब ने नाता तोड़ दिया। कोई नाता तोड़े तो तोड़ने दो, परमपिता परमेश्वर से नाता नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि जगत रूठे तो रूठन दे, हमें बस काम ईश्वर से। अगर ईश्वर रूठ गया और जगत तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसके विपरीत जगत रूठ जाए और परमात्मा तुम्हारे साथ है तो फिर सब कुछ तुम्हारे साथ है। वो आज नहीं तो कल तुम्हारे अपने होंगे। ये सब काल का कार्य होता है, काल ऐसा करता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, घबराएं नहीं। और कई ऐसे कमेंट आते हैं कि हम बीमार हैं और नाम जब शुरू करते हैं तो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हम क्या करें, हमें डर लगता है। डरो मत, डरो मत। पहली बात तो ये हो नहीं सकता कि नाम जप करो और तबीयत खराब हो जाए। बाई चांस तुम्हारा प्रारब्ध इस तरह का है, वही काल का कार्य होता है। ये वो काल की शक्ति यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें इतनी ताकत है, वो शुरू में आपके ऊपर घेरी गालती है कि ये भगवान का नाम ना ले। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती भगवान का नाम जप करते रहोगे तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और प्यारे भक्तों, बेशक से प्राण निकल जाएं, क्योंकि अगर पहली बात तो प्राण निकलेंगे नहीं और प्राण तो सबके निकलने ही हैं, और अगर नाम जप करते करते हमारे प्राण चले जाएं तो इससे उत्तम तो कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि इस अंत समय में राम का नाम लेने के लिए सब तरसते हैं, तो हमारे चाहे प्राण निकल जाएं लेकिन हमें नाम जप नहीं छोड़ना है। नाम जप हमें करना ही है, भगवान की भक्ति हमें करनी है, तभी हमें सत्य वस्तु प्राप्त होगी जो कि हमारे इस लौकिक जन्म में और पारलौकिक जन्म में काम आएगी, अन्यथा और कोई हमारे काम नहीं आएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।